गुड मॉर्निंग। अगर तुम अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को ढूंढ रही हो तो वो अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे बाहर देखा था, शायद ताजी हवा खा रही है। ठीक है, समझ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं पहना? ठंड लग जाएगी। वो मुझे बस थोड़ी ताजी हवा खानी थी तो मैं यहाँ आ गई। कोई गड़बड़ है ना? मुझे बताओ, मुझसे छुपाओ मत प्लीज। नहीं, कुछ नहीं है। मेरा मतलब जाने दीजिए। कुलसुम, चलो बहन बताओ क्या बात है। मेरे कपड़े वहां नहीं थे जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। और जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी तब तुम्हारी मदर इन लॉ वो मुझे बाहर दिखी और गुस्से से देख रही थी। कह रही थी, क्या तुम अपने कपड़े ढूंढ रही हो? बताने लगी कि उन्होंने मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए हैं क्योंकि उनमें से बदबू आती है। जावेदान ने कहा इन्हें जलाने के लिए। मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा इसलिए मैंने ये किया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ो इसलिए उनसे झगड़ा नहीं किया। मैं इस घर की शांति को बर्बाद नहीं करना चाहती। उनसे कुछ भी मत बोलना, ठीक है? चिंता मत करो, मैं अभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें अभी के लिए कुछ कपड़े दे देती हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? सच कहूं तो मुझे इस बात का दुख नहीं है लेकिन मैं जानती हूं कि तुम बाद में उनसे झगड़ा करने वाली हो, पर मेरे लिए ऐसा मत करना प्लीज। देखो, मैं यहां किसी से बदला लेने नहीं आई हूं और तुम भी इन सब के बारे में भूल जाओ, उनसे कुछ मत कहना, ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे अमीर को काढ़ा बनाकर देना है, फिर मैं तुम्हें कुछ कपड़े लाकर दूंगी। तुम अपने कमरे में चली जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी।